अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों के साथ जो बड़े देख रहे हैं वो भी, क्या हाल चाल है सबके। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट टुडे। आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो उर्दू जबान में है और बड़ी मजे की कहानी है जिसका नाम है नन्ही चूंटी। तो शुरू करें नन्ही चूंटी पैरामाउंट कहानी सिलसिला, और ये कहानी लिखी है प्रोफेसर अली अकबर। चूंटी चिड़िया, चिड़िया डाल पे बैठी है, डाल कहते हैं ट्रीज ब्रांच को, और ये चूंटी दरिया के किनारे खड़ी है। ये चूंटी दरिया के किनारे खड़ी है, एक नन्ही चूंटी का पांव फिसला और वो दरिया में जा गिरी। दरिया कहते हैं रिवर को, चूंटी का पांव फिसला और वो दरिया में जा गिरी। अब देखो चूंटियों के जो साथी हैं, जो बाकी चूंटी हैं, वो यहाँ है दूसरी साइड पे, है ना। ये चूंटी अकेली है, दरिया में गिर के हो जाता ना, कभी गिर जाते हैं, हमारा पांव फिसल जाता है तो हम गिर जाते हैं। मेरी मदद करो, चूंटी दरिया में डूब जाने वाली थी, वो चिल्लाई मेरी मदद करो। डूब जाना कहते हैं ड्राउन होने को, जब अल्लाह ना करे पानी के नीचे कोई चला जाए, ठीक है ना। पानी में अगर हम कभी जाते हैं तो हम स्विम करके निकल आते हैं, तैर के निकल आते हैं। चूंटी को ये लग रहा था कि वो डूब जाएगी, तो उसने आवाज दी। चिल्लाने का मतलब होता है चीखना, स्क्रीम करना, कॉल करना। उसने कहा मेरी मदद करो। एक चिड़िया दरख्त की डाल पर बैठी, चिड़िया कहते हैं स्पैरो को, छोटी बर्ड, ये दरख्त की डाल। देखो चिड़िया को चूंटी नजर आ गई ना, चिड़िया पानी में नहीं जाती, चिड़ियों को स्विमिंग नहीं आती, चिड़ियों को तैरना नहीं आता। उसने चूंटी को देखा तो एक पत्ता तोड़कर दरिया में फेंक दिया। पत्ता तोड़कर क्यों फेंका? जिस डाल पर चिड़िया बैठी थी उसने पत्ता उठाया, पत्ता अपनी चोंच में पकड़ा, चोंच कहते हैं बीक को, और दरिया में फेंक दिया जहाँ चूंटी तैर रही थी, जहाँ चूंटी मदद मांग रही थी। क्यों फेंका चूंटी ने, चिड़िया ने क्यों पत्ता फेंका? अब देखते हैं क्यों फेंका। चूंटी बड़ी मुश्किल से पत्ते पर चढ़ी। देखो चूंटी थक गई है ना, लेकिन चूंटी पत्ते पर चढ़ी और देखो चिड़िया कितनी खुश हो रही है। ये, ये, ऐसे ऐसे पर फैला के कह रही है ये, ये, शुक्र है अल्लाह का चूंटी चढ़ गई पत्ते पे, है ना। कैसे थक गई है चूंटी, है ना। पत्ता बहते बहते दरिया के किनारे जा लगा। अब दरिया का पानी ऐसे बहता है ना, और साइडों पे दो किनारे होते हैं, शोर्स होते हैं, ठीक है। जब चूंटी आके पत्ते पे बैठी तो पत्ता पानी के साथ तैरना शुरू हो गया, और तैरते तैरते किनारे पे आके जा लगा। क्या होगा, चूंटी उतर आएगी ना फिर? देखो चूंटी के साथ ही इतने दूर पहुंच गए, उनको पता ही ना चला कि उनमें से एक चूंटी गिर गई। चूंटी पत्ते से उतरकर जमीन पर आ गई। देखो पत्ते से उतर के ये रहा पत्ता, पत्ते से उतर के चूंटी जमीन पर आ गई और खुश हो गई। देखो कितनी खुश हो गई चूंटी, और चिड़िया भी इतनी खुश हो गई कि चूंटी बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह चूंटी बच गई। चूंटी ने डाल पर बैठी चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। क्या कहा चूंटी ने? शुक्रिया चिड़िया, आपने मुझे बचा लिया। शुक्रिया कहते हैं थैंक यू को। The end. तो चिड़िया ने क्या किया, चिड़िया ने चूंटी को बचा लिया। चिड़िया ने चूंटी की मदद, चिड़िया को तैरना नहीं आता, चिड़िया पानी में जाकर कूदी नहीं, और ना ही चिड़िया ने ये कोशिश की कि वो चूंटी को उठाए, क्योंकि उसे पता था कि वो उठा नहीं पाएगी।
चिड़िया ने सोचा और सोचा मैं किस तरह से चुंटी की मदद कर सकती हूँ। उसे पता नजर आया, उसने पता फेंक दिया ताकि चुंटी उस पर चढ़े। चुंटी ने भी फिर मेहनत की और चुंटी भी बच गई। तो चिड़िया और चुंटी ने मिलकर मेहनत की तो चुंटी बच गई। अब ऐसा नहीं था कि चुंटी बच गई तो चुंटी करके चली गई। चुंटी ने कहा, शुक्रिया चिड़िया, है ना, हमारी कोई मदद करता है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं, ठीक है। और हमसे जिस भी तरह से हो, अगर कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बुक के पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं जो हम इकट्ठे पढ़ते हैं। सवालात को पढ़कर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। सवाल नंबर एक, चूंटी दरिया में कैसे गिरी। नंबर वन, चूंटी को चिड़िया ने धक्का दिया था। नंबर टू, चूंटी का पैर फिसल गया था। नंबर थ्री, चूंटी की कश्ती डूब गई थी। अब आप बताओ, आपको स्क्रीन पे तीनों सवालात नजर आ रहे हैं। मैं आपको दो मिनट देती हूँ, आप सोचें और सोच के मुझे बताएं, क्या चूंटी को चिड़िया ने धक्का दिया था? नहीं। क्या चूंटी की कश्ती डूब गई थी? नहीं, चूंटी तो कश्ती में थी ही नहीं, है ना। चूंटी का पैर फिसल गया था। हाँ, चूंटी का पैर फिसल गया। सवाल नंबर दो, चिड़िया कहाँ बैठी थी? ऑप्शन नंबर एक, चिड़िया दरख्त की डाल पर बैठी थी। ऑप्शन नंबर दो, चिड़िया घोंसले में बैठी थी। ऑप्शन नंबर तीन, चिड़िया दरख्त के किनारे घास पर बैठी थी। आपको तीनों ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, और सोच के मुझे बताओ कौन सी ऑप्शन ठीक है। चिड़िया दरख्त की डाल पर बैठी थी। सवाल नंबर तीन, चिड़िया ने चूंटी की मदद कैसे की? ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर एक, चिड़िया ने दरिया में पत्ता फेंका। ऑप्शन नंबर दो, चिड़िया ने चूंटी को हाथ पकड़कर खींच लिया। ऑप्शन नंबर तीन, चिड़िया ने शोर मचाकर बाकी चूंटियों को जमा कर लिया। दो मिनट सोचो, चिड़िया ने चूंटी की मदद कैसे की? चिड़िया ने दरिया में पत्ता फेंका, ठीक। इस किताब में हमें कुछ नए अल्फाज पता चले। वो नए अल्फाज क्या है? नन्ही, नन्ही कहते हैं छोटी को। चूंटी नन्ही थी, छोटी थी। फेंक, फेंक कहते हैं थ्रो करने को। चिड़िया ने पत्ता फेंक दिया था। फिसला, चूंटी का पाँव फिसला था। फिसला, स्लिप हो गया था। पाँव कहते हैं पैर, तो चूंटी स्लिप हो गई थी। बहते, बहते का मतलब होता है फ्लो करता, पानी बहता है, ठीक है। बहते दरिया में चूंटी फिसल कर गिर गई थी। दरख्त, दरख्त कहते हैं ट्री को, पेड़ को। जमीन, जमीन, जमीन कहते हैं ग्राउंड को, जहां हम खड़े होते हैं उसको। मुश्किल, काम बहुत मुश्किल या बहुत आसान है, मुश्किल कहते हैं डिफिकल्ट को। शुक्रिया, चूंटी ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया था। शुक्रिया कहते हैं थैंक यू को, ठीक है। जब हमारी कोई मदद करे, हमें चाहिए कि हम उनको उनका शुक्रिया अदा करें, ठीक। इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ? अगर आप किसी मुश्किल में हो, मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं, किसी से मदद मांगो कि वो आपकी मदद कर सके। और अगर आपसे कोई मदद मांगे तो दो मिनट के लिए सोचो, आप उनको किस तरह से, आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, और फिर जो कुछ भी आपके बस में उस तरह से उनकी मदद करें। अगर कोई आपकी मदद करे तो उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलें, ठीक है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का ख्याल करें। तो कैसी लगी नन्ही चूंटी की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहानियाँ सुन सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।